बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट पिछले कई सालों से लगातार आवाम के बीच मदद पहुंचाते आ रहे हैं। लॉकडाउन हो या किसी के साथ कोई परेशानी, किसी की पढ़ाई हो या फिर किसी के घर में शादी, हर हालात में बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर शेख जुल्फिकार अली खड़े रहते हैं। इन दिनों टीएमसी और कांग्रेस के बीच सियासी रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के सागरदीघी उपचुनाव से जो नतीजे सामने आए हैं वो इस दरार को और भी बढ़ा देने वाले हैं। दरअसल सागरदीघी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि टीएमसी को उसी के गढ़ में मात दे दी। इसी के साथ ही राज्य में एकमात्र विधायक के साथ कांग्रेस की विधानसभा में भी वापसी हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के सागरदीघी उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी के दूर के रिश्तेदार देवाशीष बनर्जी को हराया है। वाम मोर्चा के समर्थन से पार्टी ने करीब 22,000 मतों से टीएमसी को उसी के गढ़ में मात दे दी। वही खबर ये भी है कि टीएमसी के कुछ नेताओं को पहले से अल्पसंख्यक मतों के कांग्रेस वाम गठबंधन के पास जाने का डर सता रहा था, क्योंकि सागरदीघी में 63% आबादी मुस्लिम है, साथ ही यहाँ पर 10% वोट आदिवासी है। अल्पसंख्यक मतों के अलावा टीएमसी को महिला मतदाताओं के दूर जाने की चिंता भी थी। वो इसलिए क्योंकि साल 2021 विधानसभा चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इतना ही नहीं, उनकी जीत का अंतर भी 50,000 वोट से ज्यादा रहा था, लेकिन चुनाव में सामने आए नतीजों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी का इस सीट पर वोट प्रतिशत घटकर 39% रह गया है। वहीं इस मामले में बात करते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस साल 2021 में 90% अल्पसंख्यक वोट हमारे पास थे, हमें वोट घटने की उम्मीद थी लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हार जाएंगे। अब हमें शुरुआत से सोचना होगा, हमें पता है कि स्कूल जॉब का घोटाला और पंचायत स्तर के घोटालों का मतदाताओं पर खासा असर पड़ा है। गौरव के इस उपचुनाव में मिली हार से टीएमसी को काफी तगड़ा झटका लगा है। इसके बाद पार्टी की तरफ से हार का जिम्मा बीजेपी के सर पर रख दिया गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर अपने वोट स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि एक अनैतिक गठबंधन था, अच्छा है ये चुनाव के बाद खुलकर सामने आ गया। बता दें कि 2021 में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस के लिए जीत काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद 2024 से पहले पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए बड़ी राहत साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।